औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा पाकिस्तान स्टडीज़ का पहला ऑनलाइन लेक्चर शुरू कर रहे हैं हम, और इसमें जो हमारा पहला लेक्चर यानी पहला चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 1 वो डिस्कस करेंगे, और वो चैप्टर नंबर 1 है आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक चैप्टर है जो पूरे हमारे पाकिस्तान की एक आइडियोलॉजी है वो किन बेसिस पे खड़ी है उसको हम डिस्कस करेंगे। इसके बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर में आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान में कोई 6 मेन टॉपिक हैं जिनको हम फर्दर वन बाय वन डिस्कस करेंगे, जिसमें नंबर 1 है मीनिंग सोर्सेस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ आइडियोलॉजी, नंबर 2 कंटेंट ऑफ आइडियोलॉजी, नंबर 3 बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी, नंबर 4 डेमोक्रेसी इन इस्लाम, नंबर 5 आइडियोलॉजिकल आइडियोलॉजी ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अल्लामा इकबाल एंड कायद आजम, एंड नंबर 6 एंड लास्ट टॉपिक इज आइडियोलॉजी एंड द नेशनल कैरेक्टर। ये 6 टॉपिक हैं जो हम इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो आज हम इसका पॉइंट नंबर 1 को कोशिश करते हैं कि उसको स्टार्ट करें, और एक जो आइडियोलॉजी की जो एक सोर आइडियोलॉजी की जो एक डेफिनेशन है विद रिस्पेक्ट टू इस्लामिक आइडियोलॉजी, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, लिहाजा हमें ये अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की आइडियोलॉजी जो है वो एक इस्लामिक आइडियोलॉजी है, यानी उसकी बेसिस जो है वो एक इस्लामिक आइडियोलॉजी है। दुनिया के बहुत सारे मुल्क हैं जो अपने डिफरेंट आइडियोलॉजी पे बेस कर रहे होते हैं, यानी विदाउट आइडियोलॉजी कोई भी सोसाइटी या कंट्री उसको जो स्टैंड करना, उसको एग्जिस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। विदाउट एन आइडियोलॉजी कोई भी सोसाइटी या कंट्री वो पॉसिबल नहीं होता कि फर्दर वो चल सके, क्योंकि जब तक उसका कोई मोटिव नहीं होगा, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होगा उस कंट्री को आगे चलाने के लिए, तो फिर वो कंट्री का चलना मुश्किल हो जाता है। लिहाजा किसी भी किस्म की आइडियोलॉजी को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे दुनिया में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है, और फ्रांस में फ्रेंच आइडियोलॉजी है, चाइना में उनकी एक अपनी आइडियोलॉजी है, और बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज़ में इस्लामिक आइडियोलॉजी को फॉलो करते हुए अपने कंट्रीज़ को रन कर रहे होते हैं। तो हम आज जो आइडियोलॉजी हमने आज बहुत दफ़ा वर्ड यूज़ किया है उसको हम पहले डिफाइन करेंगे कि आइडियोलॉजी बेसिकली है कहाँ, कहाँ से ड्राइव हुआ है, कहाँ से आया है। आइडियोलॉजी बेसिकली एक फ्रेंच ओरिजिन वर्ड है जिसकी जो दो लफ्जों का कॉम्बिनेशन है, यानी आइडिया और लॉजी। और आइडियोलॉजी की मीनिंग क्या है? ए सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ कंसेप्ट स्पेशली अबाउट लाइफ एंड कल्चर, यानी वो किसी भी सोसाइटी को डिस्कस करते हैं और उसकी पूरी ऑन दी होल जो है वो डिस्कस किया जाता है, यानी उसका लाइफ गुजारने का क्या तरीका होना चाहिए या होता है या है, और इसी तरह के किसी भी सोसाइटी का क्या कल्चर है, किस तरह से वो रहते हैं, किस तरह से सोचते हैं, वो अपने आप को प्रेजेंट किस तरह करते हैं, और किसी भी सोसाइटी की पहचान क्या है पूरी दुनिया में, ये बेसिकली एक पूरा ऑन दी होल ह्यूमन जो सोसाइटी है, ह्यूमन जो अप्रोच है उसको डिस्कस करता है। और ये जो कंसेप्ट्स हैं, यानी एक सिस्टमैटिक बॉडी और कंसेप्ट्स की जो है वो या तो कोई बहुत ही हाई लेवल के इंटेलेक्चुअल्स डिफाइन करें उसको, उस किसी भी सोसाइटी पे अप्लाई करें, या उसकी जो है वो प्रीचिंग करें,
और ये जो कंसेप्ट्स हैं जो कि किसी इंडिविजुअल की तरफ से हैं, उनका जो कैरेक्टर्स बहुत ही हाई लेवल को इंडिविजुअल तो बट उस सोसाइटी में बहुत ही हाई लेवल की एक पर्सनैलिटी हो, जब वो किसी चीज़ के कंसेप्ट को डिफाइन करती है तो वो सोसाइटी उसको एब्जॉर्ब करती है, उसको मानती है। या इसका दूसरा तरीका है या डिवाइन गाइडेंस हो। डिवाइन गाइडेंस मीन्स वो सिस्टमैटिक बॉडी या कंसेप्ट जो हैं पूरे अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो दिए गए हों, यानी जो हाई लेवल, यानी आप किसी भी सोसाइटी की या किसी भी कंसेप्ट या लॉ को जो है अल्लाह ताला इंसान को सबसे बेहतर जानते हैं, लिहाजा अल्लाह जो किस इंसानों के लिए जो एक पूरा वे ऑफ लाइफ बताएंगे वो उससे बेहतर तो कोई बता ही नहीं सकता। लिहाजा विद रिस्पेक्ट, लिहाजा बहसत मुसलमान या हमारे लिए हमारा दीन क्या है, इस्लाम है, और वो एक खुद पूरे इंतहा रिच आइडियोलॉजी रखता है। क्यों? इसलिए कि इस्लाम की जो आइडियोलॉजी है वो अल्लाह ताला की तरफ से और अल्लाह के ताला के जो आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी सुन्नत को बेस करते हुए ड्राइव की गई है, यानी वो तमाम रूल रेगुलेशन ज़िंदगी गुजारने के तरीके और ज़िंदगी हमारी लाइफ का एवरी कॉर्नर एवरी पार्ट ऑफ द लाइफ वो हमें कुरान ने बताया, अल्लाह ताला ने बताया कि किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में हमें वो अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई करके दिखाया। इट मीन्स कि वो हमें बताते रहे कि किसी भी मौके पर हमारी ज़िंदगी यानी लाइफ को किस तरह से गुजारना चाहिए। तो दुनिया में जितनी भी आइडियोलॉजी है उसमें लाजमी तौर पर वन ऑफ द बेस्ट आइडियोलॉजी कौन सी होनी चाहिए? इस्लामिक आइडियोलॉजी होनी चाहिए। क्यों? कि अल्लाह ताला की तरफ से हमें ये दी गई है। अच्छा, जब किसी भी सोसाइटी में कोई इंडिविजुअल अपनी लाइफ गुजारता है, अगर एज ए इंडिविजुअल देखा जाए तो वो भी अपनी किसी रूल और रेगुलेशन और किसी डिसिप्लिन के तहत अपनी ज़िंदगी गुजारता है, लेकिन वो किसी भी सोसाइटी पे अफेक्ट नहीं कर पाता मोस्ट ऑफ द टाइम। तो आइडियोलॉजी जो है वो एक बहुत ही ब्रॉडर जो कैनवस पे देखा जाएगा पूरी, यानी पूरी सोसाइटी के तौर पे वो तमाम मैनर्स और डिसिप्लिन एक पूरी सोसाइटी पे हम कैसे अप्लाई करते हैं, किस तरह उसको जो शो होती है सोसाइटी इसको किस तरह रिफ्लेक्ट करती है। तो आइडियोलॉजी बहुत ही वाइडर मैनर बहुत ही ब्रॉडर जो है ना एस्पेक्ट में देखा जाता है, और वो किसी भी जो इंडिविजुअल की लाइफ है उसका एक इंटीग्रल पार्ट होता है, यानी बहुत ही लाजमी हिस्सा होता है। और हमारा दीन इस्लाम जो है वो ये दावा करता है कि वो हमारी ज़िंदगी के हर पार्ट को बेहतरीन तरीके से गाइड करेगा करता है। क्यों? कि अल्लाह ताला की तरफ से और अल्लाह के रसूल की तरफ से हमें बताए गए हैं, जो कि अल्टीमेट गाइडेंस है। अगर हम इस्लामिक सोसाइटी इसको देखें तो इस्लामिक सोसाइटी दुनिया में तमाम सोसाइटी यानी वो सोसाइटी जो किसी ना किसी आइडियोलॉजी की बेसिस पे खड़ी है, उसमें जो सबसे टॉप पे अगर किसी सोसाइटी उनके कंसेप्ट्स को देखा जाए तो वो एक इस्लामिक सोसाइटी है। क्यों? कि उसकी बेसिस क्या है? उसकी बेसिस है कुरान, होली कुरान और सुन्नत। ये दो हमारी जो सोर्सेज हैं इस्लामिक आइडियोलॉजी की। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इस्लामिक आइडियोलॉजी या इस्लामिक सोसाइटी जो है सबसे टॉप पे है, और सबसे उसके जो कंसेप्ट्स हैं वो वन ऑफ द बेस्ट कंसेप्ट्स हैं किसी भी सोसाइटी को अपनी लाइफ गुजारने के लिए। इस्लाम इज़ ए कम्प्लीट कोड ऑफ कंडक्ट जो कि उसकी विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑफ कलर, रेस एंड कास्ट, और इस तरह की भी सोसाइटी में किसी भी तरह की जो डिस्क्रिमिनेशन होती है उसको जो है वो अवॉइड करता है। यानी दुनिया में वाहिद एक मज़हब है
जिसने 1500 साल पहले और ऑलमोस्ट 1500 ईयर्स पहले ये कंसेप्ट दिया कि तमाम इंसान जो है वो बराबर हैं और किसी भी इंसान को कलर, रेस या उसकी कास्ट या किसी और तरह में से किसी भी तरह से उसको किसी और पे सुपीरियरिटी हासिल नहीं होगी। अगर सुपीरियरिटी हासिल है तो वो किस बेस पे, वो क्या है, वो है यानी फियर ऑफ गॉड, यानी अल्लाह का जो खौफ है सिर्फ उस बेसिस पे उसको सुपीरियरिटी किसी और इंसान पे तो हासिल हो सकती है, अदरवाइज तमाम इंसान बराबर हैं और उसको किसी भी किसी भी कोई सुपीरियरिटी हासिल नहीं। ये एक ऐसा बेसिक किसी भी सोसाइटी का एक ऐसा एस्पेक्ट है जो कि उस वक्त एटलीस्ट उस वक्त किसी भी सोसाइटी में और उस वक्त जो पूरी दुनिया में जो लोग थे या कंट्रीज थे या किंगडम्स थी, इस तरह की कहीं भी ऐसी डिस्क्रिमिनेशन फ्री जो है वो सोसाइटी या कंसेप्ट नहीं मिलते थे, इस्लाम ने हमें दिए। और इस बेसिस पे यानी ये जो कंसेप्ट्स हैं कि तमाम इंसान बराबर हैं और एक और विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, तो एक इंडिविजुअल जो है किसी दूसरे इंडिविजुअल के साथ बहुत ही एक ब्रदरहुड का जो एक रिलेशनशिप कायम होता है जस्ट बिकॉज ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी। इस्लामिक आइडियोलॉजी की बेसिस है कुरान एंड सुन्नत, और इस्लामिक जो आइडियोलॉजी है या इस्लामिक सोसाइटी है उसकी फाउंडेशन किस पे, होली कुरान और सुन्नत पे। एंड इस्लामिक सोसाइटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ डिवाइन प्रिंसिपल ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमैनिटी, टॉलरेंस, जस्टिस एंड इक्विटी एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। यानी अगर किसी भी सोसाइटी में ये सारी चीज़ें हों तो वो सोसाइटी एक बेस्ट सोसाइटी कहलाएगी, यानी उस सोसाइटी के अंदर लोगों में टॉलरेंस हो जो कि बहुत ही एक सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी सोसाइटी की, रिस्पेक्ट हो चाहे वो रिच हो या पुअर हो, पावरफुल हो या वीक हो, किसी भी किस्म की कोई इंडिविजुअल्स हो, एक दूसरे की रिस्पेक्ट हो, टॉलरेंस हो, जस्टिस हो। क्यों? अगर किसी भी सोसाइटी में जस्टिस नहीं होगा तो वो सोसाइटी जो है केओस का शिकार हो जाएगी। लिहाजा किसी भी सोसाइटी में जस्टिस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इक्विटी यानी तमाम लोगों में जस्टिस के वजह से सबको जो है बराबर की निगाह से देखता हो। यानी अगर आप किसी मुल्क में जस्टिस है और वो जो डिसीजन लेता है जस्टिस वो विदाउट एनी उसकी जो सबसे हमने ऊपर कहा था कास्ट, कलर और उसका जो स्टेटस था उसको बिल्कुल भी खातिर में नहीं लाता और जस्टिस सबके साथ बराबर करता है, तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन सोसाइटी के की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लिहाजा सब एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं एक ऐसी सोसाइटी में जहाँ ये सारी चीज़ें मौजूद हों। लिहाजा पूरी दुनिया की जो सोसाइटीज़ हैं या कंट्रीज़ हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो किसी भी बात पे जोर दिया जाता है या फोकस किया जाता है वो इन्हीं बातों पे, और बिल्डअप की जाती है अपनी सोसाइटी में सारी चीज़ों को, यानी टॉलरेंस को, जस्टिस को, इक्विटी को और रिस्पेक्ट को। ये क्योंकि इसी से कोई भी सोसाइटी लॉन्ग लास्टिंग होती है, चलती है, और उसका जो लेवल है वो दूसरी सोसाइटियों से हाई होता है। अल्लाह ताला के नज़दीक भी सोसाइटी को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैसियत है, क्योंकि अगर सोसाइटी अच्छे तरीके से चल रही होगी, कोई भी उसमें डिस्टर्बेंस नहीं होगी, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? उसका रिजल्ट ये होगा कि जो दीन है अल्लाह ताला का वो फ्लरिश होगा, वो फैलेगा। और अगर इसी तरह से ये तमाम करेक्टरिस्टिक्स नहीं होंगी, जस्टिस नहीं होगा, टॉलरेंस लोगों में नहीं होगी, इक्विटी नहीं होगी और हर कोई एक दूसरे पे रिस्पेक्ट नहीं करता होगा, तो वो सोसाइटी
क्योस का शिकार हो जाएगी, डिस्टरबेंस होगी और अल्लाह ताला के नज़दीक सोसाइटी के अंदर इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले को सख्त सजाएं इसीलिए दी गई हैं कि अल्लाह ताला के नज़दीक सोसाइटी की स्टेबिलिटी बहुत अहम है, क्योंकि आगे जाके मज़हब हमारे दीन और उसकी स्टेबिलिटी पे जो है वो फोकस होती है, यानी उसकी स्टेबिलिटी का बाइस बनती है। लिहाजा आज हमने आज के लेक्चर में हमने आइडियोलॉजी और इस्लामिक आइडियोलॉजी जो वन ऑफ द बेस्ट आइडियोलॉजी पूरी दुनिया में जितनी भी आइडियोलॉजी एग्जिस्ट करती हैं उनमें सबसे बेस्ट आइडियोलॉजी जो है वो इस्लामिक आइडियोलॉजी, और वो क्यों है, जस्ट बिकॉज ऑफ होली कुरान और अल्लाह के नबी की जो सुन्नत है उस पर बेसिस कर रही होती है। तो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसकी जो इस्लामिक आइडियोलॉजी की जो सोर्सेज हैं या और इसकी जो फर्दर डिटेल है उसको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।